प्रिय साधक, आप लोग मसानी माता की साधना करना चाहते हैं तो मसानी माता की साधना करने के लिए आपको सबसे पहले एक या दो साधना या पांच साधना शुरू शुरू में करना होता है। यदि आप शुरू शुरू में दो तीन या पांच साधना कर लेते हैं तो मसानी माता की साधना करने से पहले आपको गुरु भी बनाने होते हैं। यदि आप गुरु बनाए हैं, गुरु आपको अच्छे मार्ग सुझा रहे हैं, गुरु आपको रास्ता बता रहे हैं, तो आपके लिए मसानी माता की साधना सही है। यदि आपको गुरु रास्ता नहीं बता रहे हैं और गुरु बना लिए हैं, गुरु आपको कुछ भी नहीं समझा रहे हैं, तो फिर आपके लिए मसानी माता की साधना नहीं है। यदि आप मसानी माता की साधना करते हैं तो आपके पास मसानी माता की जो दिव्य शक्तियाँ होंगे वह आपसे परीक्षा लेंगे, और मसानी माता की साथ में चलने वाली जो शक्तियाँ है वह आपसे परीक्षा लेंगे ही लेंगे, और उन परीक्षाओं में आपको पास होना होगा। यदि आप अपनी परीक्षा में पास होते हैं तो आपके सामने मसानी माता प्रकट होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। आपको मसानी माता की साधना करने के लिए सात बतासे, सात लौंग, इलायची, पंचमेवा, तेल, सिंदूर, कपूर, तिल, जौ, घी का हवन करें और अरहुल का फूल चढ़ाएं। सात्विक विधि से आप मसानी माता की साधना करेंगे और तेल सिंदूर आप नहीं लगाएंगे। तेल सिंदूर स्त्री लगा सकते हैं, औरत तेल सिंदूर माता को चढ़ा सकते हैं। आप लोग लड़का हो तो आप लोग नहीं चढ़ा सकते हो, इसलिए यह विधि विधान को ध्यान में रखते हुए आपको मसानी माता की साधना करने के लिए बैठना है और सारा सामग्री एकत्र पहले करना है। इसके बाद आप साधना पर बैठते हैं तो साधना में आपको सुरक्षा रेखा का मंत्र है तो सुरक्षा रेखा लगाएं और मंत्र जाप करें। फिर आप साधना में माता मसानी को आवाहन करें, बुलाएं, और माता मसानी की साबर मंत्र आपको प्राप्त हो गया है तो आप उस मंत्र को जाप करें। फिर माता मसानी आपके ऊपर जल्दी ही कृपा बनाएंगे और गुरु से मार्ग दर्शन करते रहें बीच बीच में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की क्षति न हो, क्योंकि इनमें जो है अनेकों प्रकार की विघ्न शक्तियाँ चलते हैं, अनेकों प्रकार की मसानी शक्तियाँ चलते हैं, तो आपको कुछ भी परीक्षा में भोगना पड़ सकता है। परीक्षा में आपको कई प्रकार की कष्ट या परेशानी हो सकता है, इसलिए गुरु के देख रेख में ही यह साधना किया जाता है। नहीं तो पता चलेगा कि आप साधना इधर कर रहे हैं और आप उधर बीमार पड़े हुए हैं और साधना आपने बीच में ही छोड़ दिए। हो सकता है मसानी माता की साधना आप शुरू किया, दो तीन दिन के बाद आपसे शक्ति परीक्षा लेना शुरू किए और आप बिस्तर पकड़ लिए और जब साधना करने का समय हुआ उस समय आप उठे ही नहीं, तो ऐसे में आपका वह साधना खंडित हो जाएगा, आपसे वह साधना नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आपको करना होता है। आपका सेहत कितना भी बिगड़ जाए लेकिन आपको साधना में बैठना है तो बैठना है, यह बात आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप मसानी माता की साधना कर सकते हैं। मसानी माता की साधना करने के लिए आपको एकांत स्थान का चयन करना होगा या फिर अपने घर में भी एकांत स्थान में कर सकते हैं और आंगन या द्वार पर करें या फिर शमशान घाट में, सरेह में, वन में भी कर सकते हैं। मसानी माता की कृपा आपके ऊपर हो जाएंगे तो आपको किसी भी देवी देवता की साधना करने की जरूरत नहीं है। अनेकों प्रकार की देवी देवताएं आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाने लगेंगे। आप जैसा सोचेंगे, जैसा विचार करेंगे, आपका सोचा हुआ कार्य अवश्य पूरा होगा। माता मसानी की कृपा होंगे और माता मसानी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। यदि आप इस विधि विधान से करते हैं, गुरु आपके होंगे तो जरूर आशीर्वाद देंगे, गुरु नहीं होंगे तो आपको माता मसानी कभी प्रकट नहीं होंगे आपके सामने और कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, इसलिए गुरु होना इस साधना में जरूरी है। तो आप लोग इस प्रकार से करेंगे, आपको माता मसानी जरूर आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। मंत्र चाहिए आप लोगों को तो मंत्र सामने मिलेगा
ऑनलाइन मंत्र हम नहीं देते हैं, तो नहीं देंगे। यदि आपको यह साधना करना है तो अपने गांव में भी किसी को भी गुरु बना सकते हैं, या जहां रहते हैं वहां पर भी आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। गुरु ऐसा बनाइएगा जो आपको सब कुछ बता सके, रास्ता दिखा सके। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिए, गुरु अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में कोई आपका काम या साधना पूरा नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके आगे बढ़ना है, फिर आप साधना को आराम से कर सकते हैं।